नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 41 लोकसभा सीट इटावर पर वोटिंग हो रही है। जनता बड़ी ही उत्साहित नजर आ रही है। अररिया के प्रथम ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता विश्वनाथ सिंगर, उनके साथ में डॉक्टर रत्नेश्वर पाठक और शिवम मिश्रा भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी के बारे में काफी खूबियां भी बताई और कहा जितेंद्र दोहरे सपा प्रत्याशी 41 इटावा लोकसभा क्षेत्र में सपा का पताका फहराएगा। जनता ने तय कर लिया है कि रामशंकर कठेरिया को हराना है और जितेंद्र दोहरे को विजयी बनाना है। इन सभी का कहना है कि साइकिल 41 लोकसभा क्षेत्र चाहे इटावा हो या औरैया जिला हो या कानपुर देहात हो, सभी में साइकिल दौड़ रही है। वहीं पर शिवम मिश्रा ने भी कहा कि और जनता को भरोसा दिलाते हुए बोले कि जितेंद्र दोहरे को विजय प्राप्ति अवश्य होगी। प्रतिभावस्थी की खास रिपोर्ट, कैमरामैन विनोद यादव के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूं 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। इस समय मैं औरैया में मौजूद। औरैया में बहुत ही राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी हस्ती है। यहां पे आज मैं पाठक जी के आवास पर आई हूं और यहां पे आपको मैं बताना चाहूँगी जो औरैया में हीरो के नाम से जाने जाते हैं और इस समय लोकसभा चुनाव है, उनके घर पे, उनके आवास पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं जो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, जो आज यूनियन गठबंधन के जो जितेंद्र दोहरे जी हैं वो प्रत्याशी हैं और जो हमेशा सपा का सपोर्ट करते रहे हैं। मैं मुलाकात कराती हैं ऐसे वरिष्ठ और यह के नागरिक लोगों। कैसे हैं आप? लोकसभा चुनाव है, महापर्व है, आप क्या कहना चाहेंगे और देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की बधाई देना चाहते हैं? मुझे देश में मुद्दा छाया हुआ है। अधिकांश लोगों का मन महंगाई और भ्रष्टाचार बेरोजगारी के लोग एक तरफ से गठबंधन की ओर जा रहा है। हमारी चावल और सभा संस्था भी इस समय यही मांग है। आपका प्रत्याशी जीत रहा है? मैं तो मान रहा हूँ कि हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे। तो क्या दिल्ली में इंडियन गठबंधन की सरकार कैसा बनना है? एक तो पूरी पूरी है, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल से सामने लाके जो नई सरकार चल रही है। आपको औरैया में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, काफी तजुर्बा और अनुभव भी है। यहाँ की जनता क्या बोल रही है और क्या कह रही है? यहाँ की जनता बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस में आक्रोश, नौजवान दुखी है। आपकी पार्टी से लोगों को टिकट तो मिल जाता है और उन्हें विजय के पताका भी लहराते हैं, जैसे हाल ही में चेयरमैन का चुनाव हुआ और अनूप गुप्ता जी चेयरमैन भी बने, उन्हें उनका विजय का पताका भी फहरा। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है देश में प्रजातंत्र में अच्छे लोग भी हैं, खराब कुछ लोग स्वार्थ की वजह से अपना निजी स्वार्थ हल करने की हमारे साथ जो चाहते मतलब निकाल गया चले जा, तो आया राम गया राम तो कोई हमारे दल पर फर्क नहीं। तो इसमें तो पार्टी का नुकसान या जनता का विश्वासघात नहीं होता है क्या? तो ये तो उनके उनके द्वारा किया हुआ फिर जो लोग दल बदल कर देते, हमारी पार्टी से तो ये नियत बिल्कुल साफ। आपके अनुभव के आधार पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज अखिलेश जी उनके ये देखने को मिल रहा है, या तो जालौन का ले लो विनोद चतुर्वेदी को या अन्य भी हम विधायकों की बात कर रहे हैं, अन्य लोगों की भी बात करते हैं, ऐसे जो नेता जी थे मुलायम सिंह जी, तब तो ऐसा नहीं होता था या होता था? नहीं, ऐसा है कि ये तो चला आया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आया राम गया राम की राजनीति हरियाणा से चौधरी जी भी यहाँ के तारीख थे। अच्छा। और इसका फिर विस्तार होते ही पार्टी का कोई नुकसान नहीं है? हमारी पार्टी का कोई नुकसान नहीं, हमारा मतदाता अपनी जगह स्थिर है। ये लोग आते जाते रहते हैं, कभी विरोध चतुर्वेदी कांग्रेस में हुआ करते हमारी पार्टी में आकर अब भाजपा में चले गए, तो कभी कभी और इस समय भाजपा सरकार में ईडी का
इनकम टैक्स का, सीबीआई का, की धमकी देके तोड़ने का काम भी कर लेते हैं। तो जो जो लोग फंसे हुए हो, जिन पर आरोप है, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो गर्व कर भी कर लेते। लोगों के मुख में एक एक ही बात आती है कि संविधान को बचाओ। मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि लोग कैसे संविधान को बचाएं और संविधान क्यों खतरे में है, क्या संविधान बदलने की साजिश है? जो सरकार बन जाएगी, अगर बीजेपी सरकार बनती है तो फिर संविधान बदलेगा, इसके क्या करेंगे? अरे उनके कई सांसदों ने ब्याज दिए कि अगर हम चार से पार हो जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है हम तो इसी पर लड़ रहे हैं। हमारा एनडीए इसी बात कर रहा था, संविधान तो खतरे में, भाजपा बदलना चाहती है, और जनता भी जो है संविधान की रक्षा के लिए हमारे साथ साथ दे रही है। जितने से दौरे लोकसभा चुनाव महासंग्राम मचा हुआ है, ये इनकी जो घोषणा है, इनका विकास कार्य है, इन्होंने क्या क्या अपने विकास करते हैं और किस मुद्दे पे चुनाव इन्होंने लड़ रहे हैं? देखिए हमारा जो पार्टी का घोषणा पत्र है उसी को आधार मानते हैं वो चुनाव, और जो घोषणा पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया उस पर हमारा कैंडिडेट अगर उसे स्थानीय मुद्दे जो होंगे उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी चारबार यहाँ मुख्यमंत्री रहे, इस जिले के विकास में उन्होंने पूरा योगदान किया। आप कभी जाएँ चटकगढ़ स्टेट में, जहाँ जाने को लोगों के साधन नहीं, सड़कें बनी, पुल बने, अब वहाँ ट्यूबवेल लगी, हरियाली, इस जिले में बड़ा काम हुआ। सपा भोपाल सिंह तो